मकर राशि से मंगल का फल बता रहे। मंगल मकर राशि में तो क्या करता है, रण पराक्रमता वनिता सुखम निज जन प्रतिकूल भयाश्रित विभवतो मनुजस्य धरात्मगे मकर गे कर गाचरमा भवेत। मकर गे मंगल जो है मकर राशि में, तो रण पराक्रमता युद्ध क्षेत्र में वो पराक्रमी होता है। वनिता सुखम स्त्री का सुख से भी वह युक्त होता है एवं निज जन के लेकिन प्रतिकूल होता है, अपने आत्मीय जनों के शत्रुओं से भयभीत रहता है। निज जन के प्रतिकूल लोगों से भयभीत होना, स्वयं निज लोगों के प्रति प्रतिकूल नहीं होता, निज लोगों के प्रति जो प्रतिकूल है शत्रु उनसे भयभीत रहता है। और धन के मामले विभव तो धन से भी इतना संपन्न होता है कि मानो वो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में रमा करगा च भवे। रमा में लक्ष्मी, मानो से करगत है, हाथ में बैठी हुई है। जो मकर मंगल है वो मकर राशि में हो तो धरा, धरा मने पृथ्वी, पृथ्वी का आत्मज, अरे धरात्मज होना चाहिए, धर्मात्मज्ञ की जगह पर ज होना चाहिए, मैंने धरा मने पृथ्वी उनका बेटा, धरा का आत्मज, धरा का आत्मज मने पुत्र भौम मंगल भूमि पुत्र मंगल ग्रह को कह रहे से धरात्मज हो तो ज्यादा ठीक है। ये भवतो मनोजस्य धरात्मज मकर गे कर गा चरमा भवे। अब यदि वह मंगल कुंभ राशि में आ जाए हो तो विनयता रहितं सहितं रुजा निज जन प्रतिकूलमलं खलं प्रकुरुते मनोजं कलशाश्रय क्षितिसुतो वतिसुतो भव दुःखितं। विनयता रहितं कब होता है ये, क्षितिसुता कलशाश्रय, क्षितिसुत मन मंगल पृथ्वी का बेटा, और कहाँ हो कलश मन कुंभ, कुंभ राशि में हो तो कुंभ राशि में आश्रित हो तो विनयता रहितम, सबसे पहले वह विनय भाव मन विनम्रता से रहित हो जाएगा। सहितम रुजा और रोगों से युक्त रहेगा। निज जन प्रतिकूल मलम खलम अपने शिव चिंतकों के विपरीत आचरण करने वाला होता है, महान दुष्ट होता है, खल होता है। प्रकृते मन जब ऐसे मनुष्य प्रवृत्त करा देता है जब यह मंगल कुंभ राशि में होता है। इतना ही नहीं अतिसुतोद्भव दुखितम अपने ही संतानों से महान दुखी होता है, अपने ही संतान से दुखी रहता है। मीन राशि में हो मंगल हो तो व्यसनताम खलताम दयालुताम विकलताम चलताम च निजालयात क्षितिसुतस्तिमिना सुसमन्वितो विमतिना मलिना शनमादिशेत। कहते को व्यसनता खलताम अदयालुताम विकलताम चलताम च निजालयात, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे समस्याएं। व्यसन से ग्रस्त होगा, बुरी आदतों से युक्त हो जाएगा, नशाबाज हो जाएगा। खलता दुष्टता आएगी, किसी पर भी दयालुता नहीं, अदयालु निर्दयी हो जाता है। विगलता मैंने सदा विग्र रहेगा और अपने घर से बाहर जाने वाला होगा। निजालया चलतांच क्षितिसुतस तिमिना सुसमन्वित, जब क्षितिसुत मैंने मंगल मीन राशि से युक्त होकर बना रहता है तो और कैसे होता है, व्यक्ति भी मतिना और बुद्धि रहित हो जाएगा। मतिना आशनम आदिशेत, और ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति से संपर्क करने के कारण से उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है और अनशन जो होता है वो भी गलत चीजें खाने पीना कर देगा। मतिना आशनम आदिशेत, खाना पीना भी उसका
बिगड़ जाता है। इसमें मंगल के 12 राशियों का फल बता दिया, अब बुध के फल बताने जा रहे हैं। खलमति किल चंचल मानसो बहुल भुक कलहा कुलितो न रहो अकरुण प्यरणवांश बुधे भवेद अविगते विगते प्सित साधन। कहते हैं बुधे भवेत, यदि बुध रहता है कहाँ पर, मेष राशि में, तो वह मनुष्य खलमति ही दुष्ट बुद्धि वाला होगा। किला निश्चित रूपेण चंचल मानस हो, चंचल मन वाला भी होगा। बहुला भुक और बहुत भोजी, बहुत भोगने वाला है, बहुत भोगी रहता है वो, महाभोगी। कलह आकुलित हो न रहा, और वह मनुष्य कलह के लिए हमेशा आतुर रहता है, लड़ाई झगड़ा करने में आगे रहता है। अकरुणो और निर्दयी ये भी होता है, और जगह जगहों से ऋण ले लेगा, ऋण चुकाएगा नहीं, ऋण लेने वाला होता है। तथा विगते सिद्ध साधना, अपने अभिलषित साधनों से भी वह रहित हो जाता है। यह बुध अब कहां रहता है, मेष राशि में रहता है। और बुध जब वृषभ राशि में आ जाए, वितरण प्रयतं गुणिनं दिशेत बहुकला कुशलं रतिलालसं धनिन मिंदु सुतो वृषभस्थितस तनुजतो वनुजतो अति सुखम नरम। कहते हैं इंदुसुता चंद्रमा का बेटा बुध वृषभस्थित वृषभ राशि में रहेगा, तो वितरण प्रयतम गुणिनम, वह व्यक्ति वितरण प्रिय रहेगा, मैंने अपने आय में से अधिक दान देना, वितरण करना, बांटने में लगा रहता है, उसी में रुचि रखने वाला है, उसके झुकाव रहती है। गुणिनम गुणवान होता है। और बहुकला कुशलम दिशेत, बहुत सी कलाओं से वह युक्त होगा, निपुण होगा। कुशलम दिशेत रतिलालसम, स्त्री सहवास हेतु वह लालायित रहता है। धनिनम और धनवान भी होगा। तनुजतो और अपने ही तन से पैदा हुआ पुत्र, और अनुचतो छोटे भाई, इन दोनों से भी वह अत्यंत अति सुखम, अत्यंत सुख को प्राप्त करता है वह नर जो स्थिति में जन्म लिया हुआ है, अर्थ मंगल वृषभ राशि में रहते हुए जन्म लिया जिसने। और बुध जब मिथुन राशि में हो, जन्म कुंडली में जिसका जन्म हुआ है उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है, प्रिय वचो रचना सुविचक्षण द्विजननी तनय शुभ वेश भाक मिथुन गे जनने शशि नंदने सदनतो वदनतो पि सुखी न रह। मिथुन गे शशि नंदने, शशि चंद्रमा का बेटा बुध वह मिथुन राशि में रहेगा, तो प्रिय वचो बहुत मधुर भाषी होगा, मीठे मीठे बोलने वाला होगा, जो सुनेगा उसके वश में चला जाएगा, बढ़िया व्यापारी बन सकता है। प्रिय वचो रचना सुविचक्षणो, और इतना ही नहीं, रचना काव्य रचना निबंध रचना लेखन आदि में सब कुछ अद्भुत विद्वान होगा वो। द्विजननी तनया, और दो माताओं का वह एक लौता बेटा बनेगा, दो माताओं का वह बेटा होता है। शुभ वेश भाग, हमेशा सुंदर वेशभूषा से लगेगा, वेशभूषा प्रिय होता है, 100,00,000 रुपए के सूट पहने घूमेगा, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा रोज सवेरे दोपहर शाम अलग अलग चाहिए, ऐसे हो जाएगा वो। मिथुन के जनने शशिनंदने, जनन काल में शशिनंदन मिथुन में हो तो, और कैसे होता है, सदनतो अदनतो पि सुखी न रहो, वह अपने घर से और खान पान से, सदनता मने सदन मने घर, अदन मने खान पान, अपने घर द्वार से खान पान से हर तरह से वह व्यक्ति वह मनुष्य सुखी होता है।
कर्क राशि का में विराजमान बुध का फल बता रहे हैं। कुचरिता निच गीत कथा धरो नृप रुचि पर देश गतिर्णाम किल कुलीर गते शशिभृत सुधे सुरतता रतता नितराम भवे। कुलीर गते शशिभृत सुते, शशिभृत मन चंद्रमा, उसका बेटा बुध कुलीर मने कर्क राशि में बैठा हो तो वह व्यक्ति कुचरितानी कुत्सित चरित्र वाला आचरण वाला होगा। गीत कथा आदरो गायन कथा कहानी इत्यादि में आदर भाव रखने वाला, नृप रुचि ही और राजा का प्रिय हो जाता है, राजा का भक्त बनेगा। परदेश गतिर और परदेश गामी बना रहेगा वो व्यक्ति। और क्या फल है? सुरतता रारतता नितराम भवेत, तथा स्त्री सहवास में सदैव तल्लीन रहने वाला होता है। सुरतता मन स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां, उसमें रथ मैंने सदा लगे रहने में, नितराम एक बार नहीं दो बार नहीं सदा ही उसमें लगे रहने वाला होता है। ऐसा जो व्यक्ति जिसका जन्म कर्क राशि में बुध विराजमान हो उस स्थिति में हो, तो सिंह राशि में बुध हो उस समय में भी जन्म हुआ किसी का, तो अंडतता सहितं विमति परम सहज वैर करम कुरुते नरम युवती हर्ष परम शशिन सुतो हरिगतो अरिगतोन्नति दुखितम। कदजब शशिन सुतो हरिगतो, शशि का बेटा चंद्रमा का बेटा कहाँ है? हरि, हरि मने सिंह, हरि शब्द का पर्यायवाची सिंह भी होता है, सिंह राशि में गया हो तो अंडता सहितम, वह हमेशा झूठ बोलने वाला फेकू महाराज, केवल झूठ झूठ बोलते रहेगा, ये करूंगा वो करूंगा ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा ये दूंगा वो दूंगा, तो हमेशा मिथ्याभाषी होता है, विमति परम और बुद्धिहीन होता है। सहज वैर करम, अपने सहज मन अपने भाई आज जो सहजन्म लिए हुए हैं भाई बंधु उनके साथ शत्रुता रखने वाला होता है। कुरुते नरम, ऐसे उस मनुष्य पर प्रभाव डाल देता है इस प्रकार का बुध जो सिंह राशि में है। युवती हर्ष परम, और स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अरे पीड़ित की सरता मुख्य रूपे न अरिगतोन्नति, अरिगत उन्नति, शत्रु आगे बढ़ रहा है धन दौलत हर तरह से, उसको देख देख के दुखी रहता है। आजकल हर इंसान का यह हाल हो चुका है, दूसरे का सुख देखे दुखी रहता है, दूसरे को उन्नति देखे दुखी रहता है, चाहे मित्र हो चाहे कोई भी हो। इसे हरिगतोन्नति दुखिताम, सुवचनानुरतस चतुरो नरो लेखन कर्म परो युवरोन्नत शशि सुते युवती च गते सुखी सुनयना नयनांचल चेष्टित। कहते शशि सुते युवती च गते, शशि सुत मैंने बुध कहा है? युवती मैंने कन्या राशि में हो तो, युवती से तात्पर्य कन्या, कन्या राशि में रहेगा तो सुवचनानुरत, वह व्यक्ति हमेशा सुवचन बोलने में ही लगा रहता है, मीठा मीठा बोलता है, मधुर भाषी होता है। लेकिन चतुरो नरो, वह मनुष्य चतुर भी होता है। लेखन कार्य, लेखन कर्म परो, लेखन कार्य में वह अत्यंत निपुण होता है। वरोन्नत उन्नतिशील रहता है, हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचते रहता है, आगे बढ़ता भी है, सुखी रहता है। और सुनयना नयनांचल चेष्टित, सुंदर नयनों से जो स्त्रियां, सुंदरी स्त्रियों के नेत्र कटाक्षों का सुख से और उनके आंचला संबंध से हमेशा आनंदित रहने वाला होता है, स्त्री सुख से संपन्न होता है। सुनयना आनयनांचल चेष्टित, सुनयनों के नयन, सुनयना का जो नयन माने आंख, उनके किनारों से चेष्टित, उनके आंचल उनकी किनारा, उन्हें आंख मटका देते हैं उसी में वो नाचते रह जाता है।
सुवचनानुरतश्चतुरो नरो इत्यादि। अमृतवाग् व्यय भाग खलु शिल्पवित कुचरिता भीरतिर बहुजल्पक व्यसन युग मनोज सहिते बुधे वितुलयत चलयन वसती युत वितुलयत चलयन चलयन होना चाहिए, वह एक अधिक अक्षर है, चलयान हो गया है। वितुलयत चलयन वसती युत। बुध जब तुला राशि में हो तब क्या होता है, सहिते बुधे, बुध जो है सहिते मन तुला राशि में विराजमान होगा तो वह व्यक्ति अमृतवाग अमृत तुल्य मधुर वाणी वाला हो जाएगा। व्यय भाग लेकिन बहुत खर्चीला होगा, खूब खर्च उड़ाने वाला, पैसा उड़ाने वाला। शिल्पवित और कला, उनका विभिन्न कलाओं की ज्ञाता होगा। उचरिता भीर रति भी बहुजल्प कहो, और चरित्रहीन स्त्रियों के साथ सहवास करने वाला होगा और फालतू का बड़बड़ करने वाले भी होगा। बहुजल्प का व्यर्थ का बकवास करने वाला बोलने वाला। व्यसन युग मनुज हो, और बुरी आदतों से युक्त होता है वह मनुष्य। कब, जब बुधे सही थे, बुध जो है सप्तम तुला राशि विराजमान हो तो। वितुलयत चलयन वसती युत हो, चंचल तथा आवास से हमेशा वह ग्रह आदि से संपन्न होता है। वसती युत और चलयत, चलायमान रहता है लेकिन फिर भी ग्रह आदि वासों से युक्त रहता है। वितुलयत जो कि कैसे है, जिसकी तुलना कोई दूसरा है ही नहीं, इस ढंग से रहता है। अब वृश्चिक राशि में बुध का फल बता रहे हैं। आगे दोनों के हिंदी में गलत छपी है, शुरुआत में चंद्रमा ऐसे लिख दिया है, दोनों में विचार चल रहा है बुध का, गलती से चंद्रमा छप गया, उसको बुध बना देना दोनों में। कृपणता तिरति प्रणय श्रमो निहित कर्म सुकोपहतिर्भवेत धवल भान सुते अलिगते क्षति त्वलसतो लसतो पिच वस्तुनः। बुध जब वृश्चिक राशि में हो, अलिगते अलि मने वृश्चिक राशि में गया हुआ है, कौन, धवल भान सुता, धवल भानु कहते चंद्रमा को, सफेद सूर्य है, धवल मने सफेद सूर्य, चंद्रमा क्या है, प्रकाशवान तो ही है लेकिन दूध जो सफेद है वो सूर्य। धवल भानो उनका जो बेटा, चंद्रमा का बेटा बुध, कहो अलिगते वृश्चिक राशि में गया हो तो। कृपणता, सबसे पहले वह व्यक्ति के अंदर सामान्य स्वभाव होगा वह कृपण होगा। अतिरति और स्त्री संसर्ग के कारण से प्रणय श्रमो अत्यधिक आसक्त होकर के अधिक परिश्रम करने वाला होता है। जिस लड़की को देखेगा और चाहेगा तो उसके पीछे खूब परिश्रम करने वाला होता है, जो भी करना पड़े सब कुछ कर डाले उसे पाने के लिए, ऐसे मूर्ख होता है। और निहित कर्म सुकोप हतिर भवेत, इतना ही नहीं संचित कर्मों का जो सुख है उससे भी वंचित रहता है। जन जन्मांतरी जो कर्म है उनसे जो पाना चाहिए तो सुख, वो सुख से भी वह इस कारण से वंचित हो जाता है। और अलसतो वस्तु न लसत्तो पिच अलसत्तो क्षतिरेव स्यात्, कहते हैं वस्तुओं से सुसज्जित रहने पर भी वह आलस्यवश हानि ही उठाने वाला होता है। सारी वस्तु सुसज्जित है इन आलस के मारे वह हमेशा क्षति को ही प्राप्त करता है, हानि को ही सामना करता है। जैसे आजकल के रईस के घरों में सारी व्यवस्था है, बढ़िया अलार्म भी लगा रखे हैं, नौकर भी लगा रखे हैं, जगाओ उसको, उठाओ, नहलाओ धुलाओ, स्कूल ले जाओ, जाते ही नहीं, क्या कर लेंगे आप, ज्यादा नौकर परेशान कर, नौकर को बोल दूंगा, पर पिताजी को बोल दूंगा, शिकायत कर दूंगा, बेचारा नौकरी के चक्कर में तो जाओ पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी,
अंत में क्या होता है, सेठ का बच्चा दसवीं फेल। सारी सुविधाएं क्या नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते व्यक्ति जो अभाव में जीता है वही तरक्की को पाता है, जो अभाव में जीता नहीं है तरक्की को पा नहीं सकता है। महात्मा विद्यार्थी सबको देखता हूं, जिसकी जितनी सुविधा मिल जाती है उतनी ही बिगड़ा हुआ होता है। इसलिए अभाव में जीना चाहिए, तब वो सही रहता है। देखो और क्या है आगे का, धनुराशि का फल बता रहे। मंगल धनुराशि में हो तो वितरण प्रणय बहु वैभव कुलपतिश्च कला कुशलो भवे शशि सुतेत्र शरासन संस्थिते वीतया हितया रमयान्वितः। शशि सुते अत्र शरासन संस्थित है, शशि का सुत बुध कहाँ बैठा है, शरासन में, शर्गासन गण है धनु, उस धनु राशि में बैठा हो तो। बुध यदि धनु राशि में हो तो बता रहे फल क्या उसका, वितरण प्रणयो। सबसे पहले वह शशि सुत जो है बुध कहाँ बैठा है, शरासन में संस्थित है, शर मने बाण, उसका आसन मने धनु, उस धनु राशि में बैठा हो तो। वितरण प्रणय ये महादानी होता है, जो आगे लाभ सब 50-60% उसको दान में खर्च कर देगा, लाभ भी बहुत प्राप्त करता है। हर चीज महंगा बेचता है लेकिन लाभ को दान में खर्च करता है, अच्छा काम करता है। लोग दान नहीं करते हैं तो लोगों से ले लेता है और दान कर देता है। बहु वही बाबा और अधिक जो है संपत्तिशाली रहेगा वो, कुलपतिश्च कुल मने परिवार का, वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जाता है। कला कुशलो भवेत, अनेक कलाओं में वह निपुण होता है और विहितया हितया रमयान्वितः। विहितया हितया रमया, सन्मार्ग में अर्जित, सन्मार्ग से अर्जित जो हितकारक ऐसा जो धन है, रमा मने धन, धन से वह युक्त होता है, मने गलत कमाता भी नहीं है। जो शास्त्र में विहित है प्रक्रिया, जितने अंश कमाना है उतने ही कमाएगा, मैंने 100 रुपए का सामान है 120 में ही बेचेगा, 200 में नहीं बेचेगा। आजकल ऐसे ही हो रखा है, जो माल बनता है 2 रुपए का 20 रुपए में बेचते हैं। जो बोतल पीते ना लोग, ठंडा बोतल कितने का बनता है, 5 रुपए का अधिक से अधिक, कितने बेच रहे हैं, 70 रुपये 80 रुपये, कितने गुना प्रॉफिट है। हर चीज में यह हाल हो रखा है, अवैध तरीके से कमा रहे हैं इसे सब दुखी भी है। अवैध तरीके से कमाओ सुखी रहोगे। हाँ आगे जी आप लोग दुकान लगाओ तो इसलिए बता दिया। अवैध तरीके से बनाओ, धर्म के अनुसार कमाओ सुखी रहोगे, वो शास्त्र बता रहे। देखो धर्म से कमाओ, वीतया हितया रमया, हित बने शास्त्र हित प्रक्रिया से हित हिततम तरीके से वह लक्ष्मी को कमाता है, उस लक्ष्मी से युक्त होने से वह सुखी होता है। रिपु भये न योत कुमतिर नर स्मर विहीन तर पर कर्म कृत मकर गे सति शीत करात्मजय व्यसनत सनत पुरुषो भवेत। पुरुषो भवेत, पुरुषे हो गया है, पुरुषो भवेत ये होना चाहिए। मकर गे सती शीत कर आत्मजे, शीत कर मने चंद्रमा, उनका आत्मज बेटा बुध, वह जब मकर राशि में बैठा हो तो वह उस पुरुष पर, पुरुष को नत कर देता है, झुका देता है, विनयी भाव में संपादन करता है, अत्यंत सरल हो जाता है। रिपु भये न युता, इन हमेशा शत्रुगणों के भय से युक्त रहेगा वो, और रिपु भये नियुता कुमतिर न रहा, और कैसा है तो वो कुमति होता है वो न रहा, वह दुष्ट बुद्धि वाला होता है वह मनुष्य, स्मर विहीन तरह, और काम वासनाओं से भी वो रहित रहेगा। तो सन्यासी होने लायक है, फिर तो काम वासनाओं से रहित हो जा रहा है। स्मर विहीन तरह पर कर्म कृत, हमेशा दूसरों के कार्य करने में लगा रहता है,
और व्यसनता सनता पुरुषो भवेत। इन व्यसन के प्रभाव से वह नम्र रहने वाला हो जाता है, व्यसन के प्रभाव से, शास्त्र और गुण प्रभाव से नहीं। ये कमी है, गलत हो गए, व्यसन के कारण से भी नम्र हो रहा है वो अच्छा नहीं। धर्म के कारण से, ज्ञान के कारण से, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता। फिर उसे क्या होगा, पात्र होकर के खिचड़ी पकाओगे उसमें? आगे क्या लिखा है वहां? हाँ, पात्रता धनम आपनोति धनेन च धनेन च सुखम भवति, उसी धन से सुख होता है, ये कहा है। तो इसलिए कह दिया नहीं, व्यसन के कारण से वे नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं है। अब आता है इसके बाद, ये हो गया आपका मकर राशि में विद्यमान बुध का। अब आता है कुंभ राशिगत बुध की कहानी। गृह कलिंगलशे शशि नंदने वितनुते तनुता मनुदीनताम धन परा क्रम धर्म विहीनताम विमतिता मतिता पित शत्रु भी। कहते हैं कि भाई जो बुध जब कुंभ राशि में रहता है तो गृह कलिम घर में झगड़ा पैदा कर देता है। कलशे, कलशे मैंने कुंभ राशि, कुंभ राशि में कौन है? शशिनंदन है, बुध हो तो सबसे पहला फल गृह कलह। वितनुते तनुताम अनुदीनताम, और अनुदीनता दिन प्रतिदिन उस दीन भाव को वितनुते विस्तार को ही प्राप्त करते जाता है। गलत छवि इसमें, दृढ़ता में दिनों दिन कमी नहीं होती, बढ़ेगी, विस्तार होता है। तनु विस्तार धातु है ना, वित्तनुते तनुताम अनुदीनताम, अनुदीनत को दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके दृढ़ता को बढ़ाते ही रहता है। धन पराक्रम धर्म विहीनताम, पराक्रम और धन इन दोनों से भी, धर्म से भी वह हीन रहता है। धन पराक्रम और धर्म इन तीनों से रहित हो जाता है, और अपनी बुद्धिहीनता के कारण शत्रुओं के द्वारा सदाई अत्यंत संतप्त हृदय वाला होता है। इमतिता अपनी दुर्बुद्धि के कारण से, मति उसकी जो बुद्धि है, तापिता किससे? शत्रु भी, शत्रुओं से तापित होता है, माने शत्रुओं के कारण से वह अत्यंत दुखी रहता है, तब संतप्त रहता है। अब आते मीन राशि अंतिम। परधनाधिकर क्षण तत्परो निज सुरानुचरो हिनरो भवेत शशि सुते पृथुरो मसमाश्रिते सुवदना वदनानुविलोकन। शशि सुते पृथुरोम समाश्रिते, शशि का सुत चंद्रमा का बेटा बुध, जब पृथु का रोम, पृथुरोम कौन है? पृथुरोम मीन, उस मीन राशि में समाश्रित हो तो क्या क्या फल मिलता है उसको? परधनाधिक रक्षण तत्परो, दूसरों के धन की रक्षा करने में तत्पर होता है। परधनाधिक रक्षण तत्परो, दूसरों के धनादि का रक्षा करने में लगा रहता है, माने सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा, वही तो काम है सिक्योरिटी गार्ड को, रखिए पर धन को रक्षा करना, खड़े खड़े 24 घंटा या 12 घंटा जो भी ड्यूटी है। द्विज सुरानुचरो, और ब्राह्मण देवता आदिंग व भक्त हो जाता है। सनरो भवेत तथा सुवदना वदनानुविलोकन, सुंदर स्त्रियों के मुख को देखने वाला होता है, पानता नहीं बेचारा क्या करे, देखते रहता है टक टक आकर हाथ भी नहीं लगा सकता, दूर से देखते रह जाए, खिड़की से देखते है नहीं? वो एक गाना था ना सिनेमा में पहले, मेरे सामने वाली, हाँ इसको याद है, मेरे सामने वाली खिड़की में
देखते रहने वाला बेचारा, नहीं हाथ मिलाई पड़ोसन को देख देख के ही चलते रहेगा। अब आता है बृहस्पति का फल। जब बृहस्पति मेष राशि में हो तो बहुत आराम कुरोते समुदारताम सुचरितानि च वैरि समुन्नतिम विभवता च मरुत्पति पूजितः क्रियगतो वर्तत कतो अनुमति प्रदः। देवगुरु बृहस्पति कहा हो, मेष राशि में हो तो बहुत आराम कुरुते समुदारताम, वह व्यक्ति अतिशय उदार भाव से रहेगा और खूब दान पुण्य करे उदारता के साथ, सुचरितानी और सदा सदाचारी रहेगा, सुंदर चरित्र वाला होगा। एवं कहता है वैरी सुमन समुन्नतिम, वैरी का समुन्नति उन्नति को देखता है वो, वैरी समुन्नतिम विभवता च मरुत प्रतिपति पूजिता, मरुत्पति के द्वारा पूजित रहेगा वो, क्रियगतो अर्थगतो अनुमति प्रदाह, मन अर्थगत मन उचित कार्यों के लिए धन की भी स्वीकृति देता है और क्रिया की भी स्वीकृति प्रदान करता, अनुमति प्रदान करने वाला होता है। लेकिन उसके शत्रुओं की भी सदा सदा साथ उन्नति होती रहती है, ये उसके सामने समस्या बना रहता है। मरुत्पतियों के द्वारा भी पूजित मरुद्गण का पति कौन है? इंद्र। इंद्र से भी पूजित माने बृहस्पति, मरुत्पति पूजिता माने बृहस्पति। जब मेष राशि में होगा तब ये सब फल वो प्रदान करता है। और वही बृहस्पति जब वृषभ राशि में आवे और रहे तो द्विज सुरार्चन भक्ति विभूतयो द्रविण वाहन गौरव लब्धयः सुर गुरौ वृषभे बहुवैरिणस चरण गारण गाढ़ पराक्रमाः। कहते देखो सुर गुरु वृषभे, सुर गुरु मान बृहस्पति वृषभ राशि में हो तो द्विज सुरार्चन भक्ति विभूतयो, देवता ब्राह्मण आदि की भक्ति एवं आराधना करने में लगा रहने वाला है, अपने संपत्ति को भी लगा देता है, उसे संपन्न रहता है। द्रविण वाहन गौरव लब्ध है, इतना ही नहीं धन वाहन एवं समाज में यश गौरव को प्राप्त करने वाला होता है। और उसको देखते ही घोर संग्राम में भी उसके चरणों में आ जाएंगे, अनेकों अनेकों महान पराक्रमी शत्रु भी उसके शरणागत होकर के जो है क्षमा मांगने लगते, चरण गारण चरण के आश्रय लेते, शरणागत हो जाते हैं। कौन? गाढ़ पराक्रम, महान पराक्रमी शत्रु भी उसके शरणागत हो जाते हैं, उसके सामने घुटना टेक देते हैं। यही तो बोलते हैं, घुटना टेकना बोलते हैं भाषा में। अब आता है मिथुन राशि में बृहस्पति हो तो कवितया सहित प्रिय वाक् शुचिर विमलशील रुचिर निपुण पुमान मिथुनगे सति देव पुरोहित सहितता हितता सहितैर भवे। मिथुन के देव पुरोहिते सति, देव पुरोहित माने बृहस्पति मिथुन राशि में बैठा हो तो कवितया सहित प्रिय वाक, वह पुरुष कवि होता है, प्रिय भाषी होता है, और कवितया माने कवित्व के कारण से, उसके अंदर जो कवित्व की शक्ति है वाक में, उसके वजह से वह कवि होने के साथ साथ प्रिय भाषी भी हो जाता है। शुद्ध आचरण वर रहने वाला पवित्र आत्मा होता है, शुचि ही, विमलशील रुचिर निर्मल आचरण वाला होता है, निपुण और हमेशा सकल कार्य करने में अत्यंत कुशल चतुर होता है। एवं सहितता हितता सहितैर भवेत, शुभ चिंतक मित्रों से असदा युक्त ही रहता है। हितता सहितई, सहितता हितता मने साथ साथ चलने वाले
जो मित्र होते हैं, जो उनके भी हित को ही सोचने वाले हैं, वे अवश्य उनके संग होते हैं। माने शत्रु नहीं होंगे संग, मित्र अच्छे मित्र संग होंगे, धोखा देने वाले मित्र भी नहीं। आजकल तो मित्र कैसे होते हैं, धोखा देने वाले, है ना। मित्र द्रोह एक पुस्तक है ना, मित्र द्रोह नाम का पुस्तक है। पंचतंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद मित्र द्रोह पढ़ते हैं, पुराने पुस्तकों में से है। अनेक कहानियों के समझाया कैसे मित्र धोखा दे सकता है, आदमी को कैसे सावधान रहना चाहिए। शिक्षा है, शिक्षा परग्रंथ है। इसे पंचतंत्र क्या है, शिक्षा परग्रंथ है। नीतियों को समझाता है, जीवन के लिए आवश्यक नीतियों को समझाया है। अच्छा, मित्र द्रोह से बचना है, प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। वैसे जी यहां नहीं रहेगा, क्यों, इसका तो मित्र सब अनुकूली मित्र मिलेंगे, विद्रोह करने वाले धोखा देने वाले मित्र नहीं होंगे। जिसके मिथुन राशि में जो देव पुरोहित बृहस्पति बैठे हो, तो कर्क राशि में बृहस्पति हो तो बोधना गमनो मदनोन्नतिर विविध शास्त्र कला कुशलो नरहौ प्रिय वचाश्च कुलीर गते गुरौ चतुर गई स्थुर गई करिभिर्युतः। कुलीर गते गुरौ, कुलीर मन कर्क राशि में यदि गुरुग्रह बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, तो उस स्थिति में जिसका जन्म हुआ है उस मनुष्य में ये सब गुण संभवतः अधिकतर मिलने की संभावना होती है। बहुधनागमनो, बहुत प्रकार के धन आगमन होगा, चारों तरफ से अनेक प्रकार के धन प्राप्त करेगा वो। मदनोन्नति ही, इन काम वासना भी बढ़ेगी उसके अंदर। मदन मने काम, काम वासना भी बढ़ती रहती, कामनाएं बढ़ते रहते हैं। हाँ, 5, 25, 50 भय नहीं, 99 के चक्कर में करोड़पति अरबपति खरबपति बने कामना बढ़ती रहेगी उसकी, अंत ही नहीं उसका। मदनोन्नति का दोनों अर्थ, कामना से इच्छाएं बढ़ती है उसकी सामान्य रूपेण। विविध शास्त्र कला कुशलो, विविध प्रकार के शास्त्र और विविध प्रकार के कलाओं में वह कुशल होता हुआ न रहो। प्रिय वचाश्च अत्यंत मधुर भाषी होगा। चतुर गैर तुर गई कर युत, चतुर घोड़े और चतुर हाथियों से युक्त होगा। चतुर घोड़े और चतुर हाथियों से युक्त होगा। आज चल गया कन्वर्ट, चतुर घोड़े हाथी तो है नहीं, आज तो कार है ना, कार मोटरसाइकिल, चतुर गाड़ी नहीं। चतुर गाड़ी कौन होगा, तो रोबोट से चले नहीं, ऐसे गाड़ी खरीद लो रोबोट से चलते फिर आपको परेशानी, बैठे रहो और बोलो यहाँ चलना है, दाने जाओ बाया जाओ, अमुक जगह पहुँचना है, आप सो जाओ वो पहुँचा देगा आराम से, नहीं। चतुर गाड़ी उसी को कहेंगे ना, हमने रोबोट में फिट कर दिया, हमको अमुक जगह जाना है, वो ऑटोमेटिक चलते रहेगा, रोबोट चलाएगा उसको। चतुर गाड़ी आजकल चल पड़े, धीरे धीरे आ रहे हैं सब, ये चतुर घोड़े नहीं चतुर गाड़ी है, चतुर हाथी नहीं चतुर प्लेन है ना? गाड़ी ये तो आजकल तो है, कार प्लेन और है क्या, ये चतुर हो गए। इनसे युक्त हो जाएगा वो व्यक्ति जिसके बृहस्पति कर्क राशि में हो। जिस कुंडली के में बृहस्पति सिंह राशि में हो तो क्या होता है, अचल दुर्गवना प्रभुतोर जीतो दृढ़ तनुर ननुदी न परो भवे अरे विभूति हरो ही हरो युत सुवचसा वचसा मधिपे गुरो। हरो युत गुरो, हरि मने सिंह राशि, सिंह राशि में गुरु युक्त हो, विराजमान हो, बैठा हो तो क्या होता है, अचल दुर्ग वन प्रभुतोर जीतो, वह व्यक्ति अचल मने पर्वत एवं वन मने घोर जंगल अथवा दुर्ग से किला, दुर्ग किला होती है, पर्वत किला और जंगल इनसे वह अपने पराक्रम से बहुत कुछ प्राप्त करने वाला होगा, जीत कर अधिकार पाने वाला होगा। प्रभु तोर जीतो दृढ़ तनूर, और उसके शरीर भी एकदम दृढ़ हट्टा कट्टा रहेगा वो ननु, लेकिन दीन परो भवेत, यहां पर दीन परो भवेत माने दीन दुखी के प्रति दान दे करके दया करने वाला होगा वो।
दीन अपर, दीन जो लोग होते हैं बेकार दुखी हैं गरीब हैं उन पर दया करने वाला होता है। अरि विभूति हरो, और शत्रुओं की संपत्ति का हरण करने वाला होगा। सुवचसा वचसा मधिपे, और मधुरभाषी होकर के वह अपने वाणी पर वह अधिकार को प्राप्त करने वाला होता है। सुवचसा वचसाम अधिपो, वाणी का स्वामी हो जाता है, उसका अधिप हो जाता है। सुवचसा, अपनी मधुर वाणी के माध्यम से वाणी पर अधिकार पा करके अन्य सभी के वाणियों पर भी अधिकार कर लेगा, मैंने सबको चुप कर देगा। ऐसा बोलेगा कि इसको बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी, सामने चुप हो जाएंगे। पहले होते थे शास्त्रार्थ महारथी, नहीं डैड 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 बोलते थे शास्त्र सभा में, जितने अन्य विद्वान सुन के दंग आंख खोले सुख कान खोले पड़े रहते थे, किसी को उसका बात करने की हिम्मत नहीं होती।